प्रदेश में राजनीतिक नियुक्ति को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। वहीं राजनीतिक नियुक्तियों के लिए फाइनल लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी। इस विषय में पिछले 3 महीनों से सतत एक प्रक्रिया शुरू है, जो राजनीतिक नियुक्तियां जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो करनी है, और साथ ही साथ राज्य स्तर पर। तो इस संबंधित जो भी हमारे प्रभारी मंत्री महोदय हैं, हमारे वहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी है, और हमारे वहाँ के जो इंचार्ज प्रदेश के पीसीसी पदाधिकारी हैं, इन तीनों लोगों की एक संयुक्त समिति हर जिले के लिए बनी हुई है, इस पर वो काम कर रहे हैं। 16 मार्च अंतिम तिथि इन सभी माननीय मंत्रियों को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी विलंब के 16 मार्च तक अपने अपने जिलों का, जहां का प्रभार उनका है, वह अपनी सूचना वहां के जो भी अलग अलग समितियां हैं उसमें जो राजनीतिक नियुक्तियों का अपना प्रस्ताव पेश कर दें, ताकि उसके बाद में फिर प्रदेश से संबंधित नियुक्तियों के बारे में भी चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, उनके जो सुझाव आएंगे उनको माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जो भी समय लगेगा, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द उन राजनीतिक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन पार्टी के लिए सेवा करते हैं,